अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लेस डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, जो 3D लेस डिज़ाइन है। आई थिंक यूट्यूब पर अभी तक किसी ने भी ये लेस डिज़ाइन नहीं सिखाई है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और यहाँ पर मेरे पास नायलॉन का थ्रेड है, आप कॉटन थ्रेड या सिल्क थ्रेड से भी इस लेस डिज़ाइन को बना सकते हैं, ऊन से भी बना सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और नीडल नंबर है 0 नंबर 1.75 mm की। सबसे पहले हम फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लिप नट ले लेंगे। तरीके से स्लिप नट लेने के बाद हम लेंगे 5 चेन, 1, 2, 3, 4, 5 चेन लेंगे और फर्स्ट चेन के गैप में 1 टाइम डबल क्रोचेट बना लेंगे। इस तरीके से राउंड बन गया। अब टर्न ले लेंगे, फिर लेंगे 5 चेन, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। फिर 5 चेन लेकर नीडल पर हमें 3 टाइम्स धागा फोल्ड करना है। अब हम यहाँ पर बनाने वाले हैं डबल ट्रिपल क्रोचेट स्टिच, जिसके लिए हम 3 बार धागा फोल्ड करेंगे, गैप में जाएंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे, 2-2 धागों में से बाहर आ जाएंगे, फिर धागा लेंगे, 2 धागों में से आएंगे बाहर, फिर धागा लेकर 2 धागों में से बाहर आएंगे, फिर धागा लेकर 2 धागों में से बाहर आएंगे, फिर धागा लेकर 2 धागों में से बाहर आ जाएंगे। इस तरीके से ऐसे हमें टोटल 3 बार करना है। ये एक बार हमने बना लिया और 2 बार हम बनाएंगे। इसे कहते हैं डबल ट्रिपल क्रोचेट स्टिच। मैंने बेसिक स्टिच में आप लोगों को सिखाया है, तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो प्लीज़ वो वीडियो चेक ज़रूर करना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। प्लेलिस्ट में आपको प्रोजेक्ट क्लास की लिस्ट मिल जाएगी, उसमें से आप चेक कर सकते हैं। इस तरीके से 3 बार बनाने के बाद अब हम लेंगे ट्रिपल क्रोचेट। ट्रिपल क्रोचेट के लिए 2 बार धागा फोल्ड करते हैं, गैप में जाएंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे, 4 धागे, पहले 2 में से बाहर आएंगे, 3 रह गए, 2 में से बाहर आएंगे, फिर 2 में से बाहर आ जाएंगे। ट्रिपल क्रोचेट भी हम 3 बार बना लेंगे। तीन बार हमें ट्रिपल क्रोचेट ले लेना है। एक बार बना लिया, ये सेकेंड टाइम और ये थर्ड टाइम। अब हम लेंगे डबल क्रोचेट 2 टाइम्स, 1 and 2 इस तरीके से। तो ये हमारा लीफ की डिज़ाइन कंप्लीट हो गई, इस तरीके से लीफ का शेप आ गया। अब हम लेंगे फिर से 5 चेन, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से 5 चेन लेंगे और यहाँ पर जो फर्स्ट चेन का गैप है उसमें हम अटैच कर लेंगे इस तरीके से। तो ये राउंड बन गया। अब फिर से लेंगे हम 5 चेन, टर्न ले लेंगे और नीडल पर 3 टाइम्स धागा फोल्ड करेंगे, डबल ट्रिपल क्रोचेट स्टिच इस 5 चेन के गैप में बना लेंगे। 3 बार हमें डबल ट्रिपल क्रोचेट स्टिच बनाना है। ये 3 इस तरीके से। अब सेम उसी तरीके से गैप में 3 बार ट्रिपल क्रोचेट स्टिच बनानी है, 1, 2, 3
3 इस तरीके से। अब फिर दो बार डबल क्रोचेट बना लेना है, 1 2। जब इस तरीके से दो पत्ते कंप्लीट हो जाए तब आपको क्या करना है, डायरेक्टली नीडल पर धागा फोल्ड करना है और यहाँ पर जो डबल क्रोचेट है इसमें ऐसे नीडल डालनी है लास्ट वाले डबल क्रोचेट में। इस डबल क्रोचेट में हमें नीडल डालनी है और 7 times डबल क्रोचेट बना लेना है इस डबल क्रोचेट के अंदर। ये देखें धागा ले रहे और यहाँ पर हम नीडल डाल रहे इस डबल क्रोचेट में, ये देखें यहाँ पर हम टोटल 7 times डबल क्रोचेट ले लेंगे, 4 5 6 7। इस तरीके से अब ये जो लीव है इसमें हमने पहले 3 times डबल ट्रिपल क्रोचेट बनाया, फिर 3 times ट्रिपल क्रोचेट बनाया और फिर 2 times डबल क्रोचेट बनाया। तो जो सेकेंड वाला डबल क्रोचेट है टोटल लास्ट, यहाँ पर टोटल काउंट कर लो आप, पहले 3 times ट्रिपल क्रोचेट स्टिच के गैप है, फिर 3 times ट्रिपल के है, पहले 3 डबल ट्रिपल क्रोचेट के, फिर ट्रिपल क्रोचेट के और फिर 2 gap है वो डबल क्रोचेट के। तो जो सेकेंड वाला लास्ट वाला डबल ट्रिपल क्रोचेट का स्टिच है ये वाला, यहाँ पर डबल क्रोचेट का जो गैप दिखेगा आपको 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8वें gap में आपको नीडल डालनी है इस तरीके से और धागा लेकर डायरेक्टली दोनों धागों में से बाहर आ जाना है। तो यहाँ पर ये रोज बन गया इस तरीके से राउंड, ये देखें। अब हम फिर से ले लेंगे 5 chain लेंगे और नेक्स्ट राउंड हमारा स्टार्ट करेंगे। तो ये जो रोज़ हमने बनाया इसके पीछे ये बैक साइड में जो लास्ट वाला डबल क्रोचेट का गैप दिख रहा है आपको, इसमें हम अटैच कर लेंगे और यहाँ से हमारी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो अब फिर से हम ले लेंगे 5 chain 1 2 3 4 5 इस तरीके से टर्न ले लेंगे और नीडल पर 3 times धागा फोल्ड करेंगे। इस गैप में हम बना लेंगे 3 times डबल ट्रिपल क्रोचेट स्टिच, 1 2 एंड ये 3। फिर हम लेंगे 3 times ट्रिपल क्रोचेट स्टिच, 1 2 एंड ये 3। अब हम लेंगे 2 times डबल क्रोचेट, 1 2 ऐसे। अब ये हमारी लीव कंप्लीट हो गई इस तरीके से। अब हम फिर से ले लेंगे 5 chain इस तरीके से और अब हम ये जो पत्ती हमें यहाँ पर दिख रही है उसके डबल क्रोचेट के ऊपर हम अटैच कर लेंगे, ये वाला 1 gap छोड़ देंगे और नेक्स्ट गैप में हमें अटैच कर लेना है। इस तरीके से ये 1 gap छोड़ दिया, नेक्स्ट गैप में अटैच कर लिया। अब हम ले लेंगे फिर से 5 chain टर्न ले लेंगे और गैप में सेम वैसे ही लीफ बना लेंगे, पहले 3 times डबल ट्रिपल क्रोचेट स्टिच, 1 2 3। फिर गैप में
थ्री टाइम्स ट्रिपल क्रोचेट स्टिच, फिर गैप में टू टाइम्स डबल क्रोचेट स्टिच, वन टू, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो डबल क्रोचेट्स हमने लिए हैं, ट्रिपल क्रोचेट, डबल ट्रिपल क्रोचेट और लास्ट में ये दो डबल क्रोचेट, तो ये जो लास्ट वाला डबल क्रोचेट है उसमें हम इस तरीके से नीडल डालेंगे और यहाँ पर ऐसे पकड़ लेंगे ताकि ये स्पेस में हमें बराबर से डबल क्रोचेट लेने जमें। तो टोटल इस गैप में हम सेवन टाइम्स डबल क्रोचेट ले लेंगे, थ्री फोर फाइव सिक्स ये सेवन, इस तरीके से। अब ये ऐसे यहाँ पर भी ये राउंड होगा तो टोटल हमने यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, एट गैप के अंदर हमें नीडल डालनी है इस तरीके से और यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे। तो ये रोज़ पेटल वाली डिज़ाइन हमारी 3D लेस डिज़ाइन बनती जाएगी। यहाँ पर ऐसे लगेगा ये रोज़ है और ये लीव्स है। ये कैमरा इसकी खूबसूरती को कैप्चर नहीं कर पा रहा है, अगर ब्लैक बैकग्राउंड होता तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आता। और सेम हम इसी तरीके से अब आगे की डिज़ाइन भी फॉलो करेंगे। एक और राउंड मैं आपको बनाकर बताती हूँ। सेम आपको फिर से ये जब कंप्लीट हो जाए तो फाइव चैन ले लेने हैं, थ्री फोर फाइव। इसके बैक साइड वाला जो डबल क्रोचेट है ये देखें, यहाँ पर ये वाले डबल क्रोचेट में अटैच कर लेंगे। इसी तरीके से हम फाइव चैन लेकर टर्न ले लेंगे अटैच करने के बाद। अब डबल ट्रिपल क्रोचेट स्टिच इस गैप में थ्री टाइम्स जाएगा, वन टू एंड ये थ्री। फिर ट्रिपल क्रोचेट स्टिच यहाँ पर हम थ्री टाइम्स ले लेंगे, वन टू एंड ये थ्री। अब सेम गैप में हम टू टाइम्स डबल क्रोचेट ले लेंगे, वन टू। ये एक लीफ कंप्लीट हो जाए तो फिर हम फाइव चैन ले लेंगे और यहाँ पर ये फर्स्ट गैप छोड़कर, एक मिनट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए फ्लश मैंने बंद कर दिया है। ये फर्स्ट गैप छोड़कर सेकेंड गैप में आपको अटैच कर लेना है यहाँ पर। इस तरीके से अब फिर हम फाइव चैन लेकर टर्न ले लेंगे। सेम इसी तरीके से ट्रिपल क्रोचेट, डबल ट्रिपल क्रोचेट तीन बार, फिर ट्रिपल क्रोचेट तीन बार, और डबल क्रोचेट दो बार। इस तरीके से बना लेंगे। अब जो यहाँ पर ये लास्ट वाला डबल क्रोचेट है इसमें हम इस तरीके से इसे पकड़कर सेवन टाइम्स डबल क्रोचेट ले लेंगे, वन टू
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब इस तरीके से टर्न ले लेंगे इसे और यहाँ पर काउंट कर लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट। जो एट गैप होगा इसमें हम ऐसे नीडल डालकर अटैच कर लेंगे और इसी तरीके से अब हम ये पूरी लेस डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही आपको ये लेस डिज़ाइन बनाते जाना है और ये हमारी 3D लेस डिज़ाइन बनती जाएगी। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आई है। अब मैं और थोड़ी लेंथ बनाकर आपको बताती हूँ। सो गाइस, ये देखिए इसका फाइनल लुक। आप जैसे जैसे इसे बनाते जाओगे इसका लुक कितना प्यारा लगता जाएगा। और इस तरह की लेस डिज़ाइन आप अपने दुपट्टे पर, ड्रेस पर लगा सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि इसे लगाना कैसे, तो सुई धागे की मदद से आप इसे टाँगते जाएँ, स्टिच करते जाएँ हर राउंड पर। इस तरीके से राउंड्स में आप इसे लगाते जाओ। जैसा आपको शेप में ये लेस लगानी है वैसे आप लगा सकते हैं। बीच बीच में यहाँ पर आप एक मोती भी लगा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। इसे आप रोज़ पेटल लेस डिज़ाइन कह सकते हैं या फ्लावर लेस डिज़ाइन, सॉरी बटरफ्लाई लेस डिज़ाइन कह सकते हैं। बहुत प्यारा लुक लग रहा है इसका, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। आपको ये लेस डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप ट्राई करोगे तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके भेजना, ताकि मुझे भी अच्छा लगता है आप लोग मुझसे सीख कर ये बनाते हो। और वीडियो हेल्पफुल है तो आपको लाइक करना है, जो आप भूल जाते हो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट कर देना। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो करें, बहुत जल्द वहाँ पर एक गिव अवे आने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये लेस डिज़ाइन आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय गाइज़।